गुड आफ्टरनून क्लास, मैं दीपांशु खंडेलवाल इंफिनिटी करियर इंस्टीट्यूट से कल अपना लेक्चर लेके आया था क्लास 12th का आप लोगों के सामने, जिसमें हमने स्टार्ट करा था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करा था। अभी हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उस टॉपिक पे बात भी करेंगे, वापस एक बार क्विक रिविजन भी देंगे। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, पहले वाला भी, और आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आप उससे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रही थी कि जैसा कि हम क्लास में एनवायरनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को, वैसा ही एनवायरनमेंट हम यहाँ पर भी दें स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में भी। चलिए तो हम हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, लेक्चर 2 निकली तो उससे पहले हम हमारे लेक्चर 1 पे क्विक रिविजन दे देते हैं गाइस। चलिए स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जब हमने बात करी थी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की तो मैंने कहा था मेंडल तो एक साइंटिस्ट का नाम था, लॉ उसने कुछ नियम दिए थे और इनहेरिटेंस कुछ चेंजेस थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दो क्वेश्चन अराइज करे थे कि भाई मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट करा था और मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मेंडल ने पी प्लांट इसलिए सेलेक्ट करा था क्योंकि एक तो वो एनुअल प्लांट था प्लस वो बाइसेक्सुअल प्लांट था। ठीक है, हमने उसके सक्सेस के बारे में बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि एक तो उसने एनुअल प्लांट लिया प्लस उसने अपना सारा जो डेटा था वो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल फॉर्म में रखा था ताकि वो कभी भी डेटा को इजीली एनालाइज कर सके। तो ये दो कारण थे पी प्लांट को सेलेक्ट करने का और मेंडल के सक्सेस के। फिर उसके बाद हमने बात करी थी बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स की, जिसमें हमने बात करा था होमोजाइगस सिट्रोजाइगस के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी जीनोटाइप के होते हैं फिनोटाइप के होते हैं। होमोजाइगस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब हम कोई कैरेक्टर लेते हैं और 100% वो सिमिलर होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो हमने कहा था ये कंडीशन कैसी होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था हेटरोजाइगस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कैरेक्टर्स में 50-50% हो जाता है, मतलब 50% वो टॉल हो गया और 50% वो स्मॉल हो गया। इस कंडीशन को हमने कहा था होमोजाइगस कंडीशन। और नीचे वाली कंडीशन को हमने कहा था हेटरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को मैंने बताया था। फिर हमने बात करी थी जीनोटाइप की। ठीक है, जीनोटाइप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है जीन, ये मतलब सीधी सी बात है किससे स्टडी हो रही है, यहाँ पर जीन्स के द्वारा स्टडी हो रही है। किसके द्वारा स्टडी हो रही है, जीन्स के द्वारा स्टडी हो रही है। ठीक है, अब जब जीन के द्वारा स्टडी हो रही है तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमेशा सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमेशा जीन्स पाए जाते हैं। और जीन्स की जब बात आती है तो क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है उनके अंदर, जिसको हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाद हमने फिनोटाइप की बात करी थी। फिनोटाइप में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के पहचान सके, जैसे फ्लावर का कलर कैसा है, मेरी आंखों का कलर कैसा है, मैं लंबा हूं या छोटा हूं, किसी भी चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के उसको जज किया जा सके, उसको हमने कहा था फिनोटाइप। ठीक है, ये तो हमने क्विक रिविजन कर लिया। इसी में फिर हमने बात करी थी मेंडल के लॉ में। मेंडल के लॉ में हमने बात करी थी कि मेंडल ने तीन प्रकार के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। ठीक है, दूसरा मेंडल ने जो लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा जो मेंडल ने दिया था लॉ, वो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल ने तीन प्रकार के लॉ दिए थे, जिसमें से हमने पहले लॉ के बारे में बात कर ली थी लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, इसने कैसी कंडीशन ली थी, होमोजाइगस कंडीशन ली थी। कैसी कंडीशन ली थी बेटा, होमोजाइगस कंडीशन ली थी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल। पर जब इसने इन दोनों में क्रॉस कराया था तो एक कैपिटल टी आया था एक स्मॉल टी आया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो हमेशा बड़ा वाला कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है।
जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर डोमिनेंट होती है, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर डोमिनेंट होती है तो वो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो क्या था, कैपिटल टी और कैपिटल टी आया था, क्योंकि ये टी इस पर डोमिनेंट था, इस रेसेसिव के ऊपर डोमिनेंट था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो आज जो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने क्विक रिविजन दे दिया था हमारे टॉपिक को छोटा सा, ठीक है। हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई भागा दौड़ नहीं है कि हमको टॉपिक खत्म करने, हमारा मेन मोटिव है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और कोई भी चीज कल के ऊपर नहीं छोड़े, ठीक है। तो उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं आज हमारे लेक्चर टू की तरफ। तो आज हमारा जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो किस पर जा रहे हैं, हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। तो जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ध्यान से सुनना बच्चों, सेग्रीगेशन का मीनिंग हमेशा क्या होता है, सेपरेट। क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो हम कैरेक्टर्स लेंगे वो कैरेक्टर हमेशा सेपरेट रहेंगे। मान लीजिए जैसे हमने कैपिटल टी ले लिया और एक हमने स्मॉल टी ले लिया, दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो गए। दोनों कैरेक्टर्स कैसे हो गए, दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो गए, पर जब हम इन कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करेंगे तो आप कहोगे सर जब दो कैरेक्टर को आपने आपस में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने की वजह से तो ये 50-50% हो गया, तो मतलब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। नहीं, हमको इनकी ब्लेंडिंग नहीं करानी है, हमको इनको मिक्स नहीं करना है, ये दोनों कैरेक्टर अपना अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, हमने दो कैरेक्टर्स लिए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। दोनों कैरेक्टर्स को जब हमने आपस में क्रॉस कराया तो ये ब्लेंड नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसी वजह से इस लॉ को हम दूसरा नाम भी देते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स की आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही है। ये अपना इंडिविजुअल बनेगा और ये अपना इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल बनने के बाद जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो क्या हुआ, कैपिटल टी आ गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। फिर कराया तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया और फिर स्मॉल टी आ गया। मतलब F1 जनरेशन में हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी थे, पर जब हम F2 जनरेशन तक पहुंचे तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल टी आ गए। मतलब यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई गैमेट फॉर्मेशन की, इसलिए हम इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये होता है बेटा हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार वापस सुनना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। इस लॉ का हमने दूसरा भी नाम दिया था जिसको हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। हमने दो कैरेक्टर्स लिए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो जब हमने कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ मिक्स कराया, ठीक है, तो इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, ये आपस में मिक्स नहीं हुई। तो जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमारे पास ही कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दोनों अलग अलग बनी और दोनों ने अपने अपने गैमेट का फॉर्मेशन करा। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट लॉ के ऊपर। दो लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम जो लॉ कंप्लीट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे दूसरे लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट से बेटा समझ में आ रहा है, अब तो बहुत चल रहा है, मोदी जी ने भी अभी आत्मनिर्भर कहा है, तो मतलब यहां पर मीनिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट का आत्मनिर्भर होना, ठीक है।
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम आत्मनिर्भर कैसे होते हैं। अभी तक तो कोरोना को देखते हुए सबकी आत्मनिर्भरता खराब हो रखी है, इसकी तो समझ लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मानिए मैंने एक प्लांट लिया, मैंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट के अंदर कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास? चार कैरेक्टर्स है या तीन कैरेक्टर्स? मान लीजिए तीन कैरेक्टर है मेरे पास, ठीक है। तीन कैरेक्टर कौन कौन से? पहला कैरेक्टर तो मैं क्या कह रहा हूं, वो कैसा है? प्लांट टॉल है। दूसरा मैं कैसा कह रहा हूं? ग्रीन है। और तीसरा मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, कैसा है? राउंड है। मैंने क्या कहा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? आत्मनिर्भर, जो किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट के अंदर कितने कैरेक्टर्स है? तीन कैरेक्टर्स है। तीन कैरेक्टर्स कैसे? वो टॉल है, ग्रीन है और राउंड है। ध्यान से समझना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये प्लांट टॉल है तो ये ग्रीन नहीं हो सकता है, ऐसा कौन सी किताब में लिखा? या ये राउंड है तो ये टॉल नहीं हो सकता, ऐसा कोई है क्या? मतलब कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस लॉ का मतलब यही है, कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सबकी अपना इंडिपेंडेंट है। वो टॉल है तो टॉल ही है, वो ग्रीन है तो वो ग्रीन ही है, और वो राउंड है तो राउंड ही है। टॉल होने की वजह से ऐसा नहीं होगा वो ग्रीन नहीं हो सकता, या ग्रीन होने की वजह से ऐसा नहीं होगा वो राउंड नहीं हो सकता। तो सिंपल सा फैक्ट यही था कि कोई भी कैरेक्टर जब किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब तक स्टूडेंट्स हमने हमारे बात करी थी मेंडल का, जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने शुरुआत में ही जनरल पॉइंट से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाया था। उसके बाद आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर अपने तीन लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में कहा था, हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो पूरा एक्सेप्शन के ऊपर चलता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो क्या हो रहा था? मेंडल का लॉ प्रूव हो रहा था, पर इसी प्रकार से क्या हुआ, एक लॉ आया, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर मेंडल का लॉ फेल हो गया। मेंडल ने जो रेशो दिया था वो रेशो गलत साबित हो गया, ठीक है। आइए तो आज हम हमारे उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कर रहे हैं बेटा हम, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस था वो एक प्लांट के ऊपर करा गया था। किस प्लांट पे करा गया था? स्नैपड्रैगन। किस पे करा गया था? स्नैपड्रैगन प्लांट पे। और उसी प्लांट का नाम क्या था? डॉग फ्लावर प्लांट। उसको हम क्या कह सकते थे? स्नैपड्रैगन प्लांट और डॉग फ्लावर प्लांट, ठीक है। हमारा जो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो स्नैपड्रैगन प्लांट या फिर डॉग फ्लावर प्लांट पे किया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, हमने दो कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब एक रेड प्लांट लिया था और एक व्हाइट प्लांट लिया था। क्या लिया था हमने? एक रेड प्लांट लिया, जिसको हमने मान लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। एक हमने लिया था व्हाइट प्लांट, जिसको हमने मान लिया था स्मॉल आर, स्मॉल, ठीक है। क्या लिया? एक रेड प्लांट लिया जिसको हमने माना कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर हमने लिया व्हाइट फ्लावर जिसको हमने माना स्मॉल आर, स्मॉल, ठीक है। जब हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर को मिलाया तो ध्यान से सुनना, ये बात हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में करके आए थे कि कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट होता है तो 100% रिजल्ट उसी कैरेक्टर का आता है। पर यहां पर जैसा कि नाम में ही आ गया इनकम्प्लीट, तो यहां पर चेंज हो गया ना, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट है ना, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसेसिव है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, ना ये इसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट है
ना ये पूरी तरीके से इसके ऊपर रेसिसिव है, तो इनमें क्या हुआ, आपस में मिक्सिंग हो गई, क्या हुआ, आपस में मिक्सिंग हो गई। तो ब्लेंडिंग होने की वजह से यहां पर जो कलर बना वो कैसा कलर बना, पिंक कलर बना, इसको हमने कहा मिक्सिंग ऑफ कलर, और यहीं पर मेंडल का लॉ फेल हो गया। जैसा कि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी पढ़कर आए थे, वहां पर मिक्सिंग नहीं हुई थी, पर यहां पर मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग ऑफ कलर भी कह सकते हैं इसको, या ब्लेंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बात करी अब तक लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, स्नैपड्रैगन प्लांट पे हमने करा, उसका दूसरा नाम डॉग फ्लावर प्लांट भी होता है। हमने दो प्रकार के प्लांट लिए, एक रेड प्लांट लिया जिसको हमने कैपिटल आर कैपिटल आर माना, एक व्हाइट प्लांट लिया जिसको हमने स्मॉल आर माना। ठीक है, तो कैपिटल आर को जब हमने स्मॉल आर के साथ मिक्स कराया तो ना ये इसके ऊपर डोमिनेंट था पूरी तरीके से, ना ये इसके ऊपर पूरी तरीके से रेसिसिव था, तो यहां पर इन दोनों की आपस में मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग हुई तो हमारे पास कैसा कलर आया, पिंक कलर है, तो हमने इसको क्या कहा, मिक्सिंग ऑफ कलर भी कह सकते हैं या ब्लेंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ये रिजल्ट आया तो हमने इसके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, अब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया, तो जब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्या है हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट्स यहां पर इन कैरेक्टर्स के आ गए। तो यहां पर जो रेशियो बना आप देखो, रेड फ्लावर कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल वन, पिंक फ्लावर कैसा हो गया, दो बार आ गया तो 1:2:1, व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, आपको देखना है यहां पर हमने जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमारे पास 1:2:1 का रेशियो यहां पर आया, मतलब यहां पर जो रेशियो आया वो क्या है, 1:2:1 रेशियो आया। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमेशा फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम होता है। क्या होता है बेटा, हमेशा फिनोटाइप का और जीनोटाइप का रेशियो सेम होता है। एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिया जिसमें स्नैप ड्रैगन प्लांट और डॉग फ्लावर प्लांट लिया, फिर हमने एक रेड प्लांट लिया एक व्हाइट प्लांट लिया, रेड फ्लावर को हमने कैपिटल आर माना और व्हाइट फ्लावर को स्मॉल आर माना। जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो ना ये इसके ऊपर डोमिनेंट था, ना ये पूरी तरीके से रेसिसिव था, तो कलर ऑफ मिक्सिंग की वजह से पिंक कलर आया। फिर जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमारे पास रेशियो जो आया वो क्या है, 1:2:1, और यहां पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, इसलिए हमने इसको नाम दिया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप सो अभी तक आप लोगों को यहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी टॉपिक के अंदर, और आगे भी मैं नहीं होने दूंगा। हम बहुत इजीली आराम से धीरे से सब चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, और आप खुद देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट वो ही है जो क्लास का। इसी के साथ मैं इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से दीपांशु खंडेलवाल कहना चाहूंगा, स्टे होम स्टे सेफ स्टे अपडेटेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय आवर इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।